नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर आपका। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में हम क्लास 10th की साइंस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैनल के थ्रू हम सभी बच्चों को क्लास 10th की साइंस यहाँ से पढ़ाएंगे। उस क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि सेकेंड चैप्टर है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें मेनली आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि उसमें तीन चीजें हैं, तीन सब्सटेंसेस हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम यहाँ पर तीनों चीजों को, एसिड बेस और सॉल्ट को, तीनों को अलग अलग पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड बेस और सॉल्ट मेनली जो हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स है, 115 कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड्स हमारे पास हैं और इन्हीं सभी कंपाउंड को हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है मेनली तीन पार्ट के अंदर। मतलब केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है और जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं, है ना, और उन्हीं सब्सटेंसेस को हमने मेनली तीन पार्ट में बांटा है। वो तीन पार्ट कौन कौन से, या तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, इसीलिए चैप्टर जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। लगभग 1500 कंपाउंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और जो ये जो एलिमेंट्स है ये बहुत ज्यादा कंपाउंड को बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने यहाँ पे पढ़ा है। ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री सब्सटेंसेस या थ्री ग्रुप्स। मेनली तीन ग्रुप में हम सभी कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस को बांट सकते हैं। वो कंपाउंड क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास, वो चीज है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स मेनली वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, या कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है। कुल मिला के एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंसेस हमें काम में आते हैं उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कलर के थ्रू, मतलब इंडिकेटर है उसको एसिड या बेस में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कलर चेंज कर दिया है, मतलब ये इंडिकेटर है। मतलब इंडिकेटर अगर एसिड या बेस में डालते हैं तो अपना कलर चेंज कर देता है या तो वो अपना स्मेल चेंज कर देता है। तो कुल मिला के जो इंडिकेटर है वो कलर या स्मेल को चेंज करके हमें ये इंडिकेशन देते हैं दैट ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। तो मेनली जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एन इंडिकेटर चेंजेस कलर एंड स्मेल व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जब भी कोई इंडिकेटर एसिड या बेस से रिएक्शन करता है तो या तो अपना कलर चेंज कर देता है या तो अपनी स्मेल चेंज कर देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट थ्री कॉमन इंडिकेटर्स फॉर टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मेनली तीन इंडिकेटर्स हैं जो कि कलर में चेंज लेके आते हैं, जो कलर को चेंज करते हैं वो मेनली तीन इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला है लिटमस। लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर का होता है। जो नीला इंडिकेटर, जो नीला कलर का लिटमस होता है वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप उसमें एसिड डालते हैं। मतलब आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है उसको अगर आप एसिड में डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, एंड अगर आपके पास एक रेड रेड लिटमस पेपर है उसको अगर आप बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और अबेस और एल्किली, बेस और एल्किली में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। अबेस और एल्किली टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो लिटमस हमारे पास दो होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस किससे बनता है? लिटमस जो है वो एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, वो आर्टिफिशियल या मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके रस से उसको बनाया जाता है। ठीक है, जो फ्लावर होते हैं उनके रस से लिटमस को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल, जिसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आपको एक इंडिकेटर का नाम दे देगा और उसके सामने लिख देगा, बताओ ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। करता क्या है, जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज जब भी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है।
मिथाइल ऑरेंज बेसिकली येलो कलर का होता है, जब भी उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है, जब भी उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब वो येलो कलर के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब आपके पास एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, जैसे उसको आप एसिड में डालेंगे तो वो अपना कलर रेड में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे ही उसको आप बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। एक फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, ये भी एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे कहते हैं, मेन मेड इंडिकेटर है। ये कलरलेस सब्सटेंस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, लिटमस पेपर जो लिटमस है वो ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, वैसे फिनोप्थेलिन इज अ कलरलेस लिक्विड। तो फिनोप्थेलिन को जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपना कलर चेंज नहीं करता। मतलब एक एसिड का अगर हम बीकर लेंगे, एक बीकर में अगर हमने थोड़ा सा एसिड लिया हुआ है और उसमें ड्रॉप डालेंगे फिनोप्थेलिन की, फिनोप्थेलिन की ड्रॉप जैसे उसमें ऐड करेंगे तो फिनोप्थेलिन खुद भी कलरलेस है और जो हमारे पास एसिड है एसिड भी क्या है, कलरलेस है। तो जैसे ही फिनोप्थेलिन एसिड के अंदर जाएगा तो ये अपना कलर चेंज करने वाला नहीं है। अच्छा, लेकिन सेम अगर इसी फिनोप्थेलिन को, इसी कलरलेस फिनोप्थेलिन को अगर हम बेस के अंदर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो फिनोप्थेलिन और बेस का कॉम्बिनेशन है ये पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिव्स पिंक कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। जैसे ही फिनोप्थेलिन को हम बेस के अंदर डालते हैं या किसी भी बेसिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं तो वो टोटली पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, जिस इंडिकेटर को डालने पर स्मेल चेंज हो जाए, जिस इंडिकेटर को डालने पर क्या चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनियन, एक होता है वनीला। जब भी अनियन को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में डालते हैं, देखिए जो अनियन है उसके पास एक स्पेसिफिक कलर होता है, अनियन के पास एक स्पेसिफिक कलर एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, अनियन की स्मेल आप सभी को समझ में आ गई होगी। जैसे ही अनियन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो अनियन अपना पूरा का पूरा स्मेल खो देता है, जो भी उसका पुराना स्मेल था वो बिल्कुल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सेम एज वेनिला का भी है, जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है उसको जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन में मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसे, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही डालते हैं तो जो वेनिला की भी स्मेल है वो स्मेल गायब हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन द बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम एक प्रकार से कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, स्ट्रिप ट्रीटेड अनियन अनियन एक्सट्रैक्ट द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, जिससे कि अनियन की स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वेनिला एक्सट्रैक्ट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड प्लीजेंट स्मेल इफ अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द वेनिला एक्सट्रैक्ट, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वेनिला में मिलाते हैं तो वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द वेनिला एक्सट्रैक्ट, तो वेनिला की जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। सो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो जैसे ही एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के साथ जुड़े और अपने स्मेल को चेंज कर दे, या जो भी पुराना एक स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो सब्सटेंस के अंदर था वो स्मेल क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल्फैक्टरी मींस द रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो सेंस ऑफ स्मेल को हमें इंडिकेट कराए। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस जिनका स्मेल एसिड या बेस पे मिलने के बाद चेंज हो जाए, मैं आपको पहले हिंदी में बता चुका हूं, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो दो है हमारे पास, एक अनियन है और एक वेनिला है, दोनों को ही जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में बारी बारी से ऐड करते हैं तो दोनों ही अपना जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उस स्मेल को टोटली खो देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पूरा चैप्टर है ना, उस पूरे चैप्टर में मेनली हमारे पास तीन चीजें पढ़नी है, फर्स्ट वन इज एसिड, सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड से चालू कर रहे हैं चैप्टर को। चलिए एसिड पढ़ते हैं क्या है। देखिए फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए व्हाट इज एसिड। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप ब्लू लिटमस में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना याद कर लीजिए आप। यहां पर एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप ब्लू लिटमस में डालते हैं और उसको वो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एनी सब्सटेंस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू द रेड लिटमस इज कॉल्ड एसिड। एसिड क्या है, एसिड आर दोस केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोरिंग टेस्ट। पहले तो खट्टा होता है, ये जान लीजिए आप।
एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड। फिलहाल आप एक ही डेफिनेशन याद रखिए कि एसिड क्या है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए सम ऑफ द कॉमन फ्रूट सच एज, कुछ कॉमन फ्रूट्स है हमारे पास, जैसे कि रॉ मैंगो है, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टर्मरिन, इमली मतलब आम, अंगूर, लेमन मतलब ऑरेंज, लेमन मतलब नींबू, ऑरेंज मतलब संतरा और टर्मरिन मतलब इमली, इन सब के अंदर एसिड होता है और ये सब खाने में खट्टे भी होते हैं। सोर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम, उनके अंदर एसिड होता है इसलिए वो खाने में खट्टे भी होते हैं। सोल्ड मिल्क ऑल्सो कंटेन एसिड इन इट, सोल्ड मिल्क मतलब जो खट्टा दूध है उसके अंदर भी एक प्रकार का एसिड प्रेजेंट होता है, या जो दही कहते हैं जिसे हम, जब दही बन जाता है दही के अंदर भी क्या होता है एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है और वीक एसिड्स क्या है। देखिए मेनली हमारे पास दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं इन सारे एसिड्स को हम मिनरल एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है, दैट इज CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, सीट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। सीट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, सीट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास हैं उन सभी को हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो सारे के सारे ईडेबल होते हैं, उनको हम खाने में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीट्रिक एसिड नींबू का रस, इमली, एसिडिक एसिड विनेगर, ये सब हम खाने में यूज करते हैं। लेकिन जो मिनरल एसिड्स हैं इनको हम खाने में यूज नहीं करते हैं, मेनली इनको खाने में हम यूज नहीं करते हैं, इसका कोई भी यूज खाने के अंदर नहीं होता, ईडेबल सब्सटेंस नहीं होता। देखिए जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं सारे के सारे मिनरल एसिड्स, देखिए लिखा हुआ ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादातर मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादातर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड कहलाते हैं और दे आर एडिबल, ऐसे जो मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इसको हम खा सकते हैं, एडिबल होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखिए कंसेंट्रेटेड एसिड आप ऐसा समझ लीजिए लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योर ही होता है वो, लेकिन लगभग प्योर एसिड मतलब जिसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम हो, या ऐसा कहें कि प्योर एसिड जो होता है ना वही कंसेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है, अ कंसेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना कम हो सकता है कम से कम पानी उसके अंदर है। मतलब मान लीजिए 100 अगर ml हमारे पास कोई भी एसिड प्लस वाटर है तो उसमें से 5% वाटर होगा या 8% या 10% पानी होगा, बाकी वो पूरा का पूरा एसिड होगा। ऐसे एसिड को हम कंसेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, मतलब ऐसा कोई भी एसिड जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एसिड हो, पानी बहुत कम हो, ऐसे एसिड को हम कंसेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। व्हाट इज डाइल्यूट एसिड, जिसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड कम हो, मतलब एसिड और पानी में पानी फिर भी ज्यादा हो, देन कंसेंट्रेटेड वन। कंसेंट्रेटेड में पानी बहुत कम होता है, कंसेंट्रेटेड वाले से ज्यादा पानी हो मतलब एसिड कम हो पानी ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ द कंसेंट्रेटेड एसिड डिक्रीज बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जो कंसेंट्रेशन है हम एसिड का कंसेंट्रेशन पानी ज्यादा ऐड करके, मान लीजिए कंसेंट्रेटेड एसिड है इसमें पहले 100 ml में 100 ml था, ये इसमें से
यहाँ पे 95% एसिड ही एसिड था, तो ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। कंसंट्रेटेड को हम CONC, कॉन्क, CONC की पावर एन एज ऊपर एन लगा के शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कॉन्क कह देते हैं बहुत सारे टीचर्स इसको, तो कंसंट्रेटेड एसिड है। तो ये यहाँ पे पानी का अमाउंट कम है, 95% एसिड है, तो सिर्फ 5% पानी हुआ। तो यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है वो वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, वाटर का अमाउंट ज्यादा नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, अभी मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको किस चीज में क्या ऐड करना है। आप पानी को एसिड में नहीं मिला सकते, पानी में एसिड मिला सकते हैं, अभी ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने वाटर का अमाउंट ऐड कर दिया और वाटर को हमने यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप कर दिया 200 ml और, 200 ml पानी और मिला दिया उसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, अब एसिड कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया है। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड देन डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म। जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, मतलब जिसके अंदर एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर अगर हम पानी को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो एसिड डाइल्यूट एसिड बन जाता है। मतलब पहले यही एसिड कंसंट्रेटेड था, जब इसके अंदर 100 ml हमने रखा था, 5% पानी था, 95% एसिड था, इस एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कह रहे थे। लेकिन अभी इसी वेसल के अंदर हमने 200 ml पानी ऐड कर दिया है, मतलब टोटल हमने इसको बना दिया 300 ml का, टोटल हमने इसको कितना बना दिया, 300 ml का बना दिया है। तो अब ये जो एसिड है ये डाइल्यूट एसिड है। कुल मिला के किसी भी चीज को अगर आपको डाइल्यूट करना है, मतलब एसिड बेस या सॉल्ट को अगर आपको डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें वाटर को ऐड कर देंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी को ऐड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, जो अभी आपको समझा दिया है यहाँ पे। द डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज डन बाय एडिंग द कंसंट्रेटेड एसिड इनटू द वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाना है। देखिए आप इंग्लिश का थोड़ा सा सेंटेंस है उसको समझ लीजिए, डन बाय एडिंग, मतलब अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाना है, किसी भी एसिड को अगर आपको डाइल्यूट बनाना है, तो बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड इनटू द वाटर, मतलब एसिड को पानी में मिलाना है। क्लियर हो गया, पानी को एसिड के अंदर नहीं मिलाना, एक ही बात नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। तो बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड इनटू द वाटर, कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाना है, ग्रेजुअली बाय स्टिरिंग, उसको धीरे धीरे मिलाना है, वॉल बाय वॉल मिलाना है, और स्टिरिंग करके हल्का सा रॉड से स्टिर करके उसको घुमा घुमा के उसको हिला हिला के हल्का सा उसको शेक करके उसको मिलाना है ना, नॉट बाय एडिंग वाटर इनटू द कंसंट्रेटेड एसिड, ना कि एसिड आप पहले ले लें और फिर उसके अंदर पानी मिलाएं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। होता क्यों है वो समझ लीजिए, क्या होता है, जब भी आप पानी को एसिड में मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहले के अंदर एसिड ले लिया, पहले से एसिड है, अब आप ऊपर से चले हैं वाटर को मिलाने के लिए, ठीक है, एसिड पहले से, पानी को आपने ऊपर से डाला, क्या होता है, जब भी आप पानी पहले एसिड पहले से लेके रखते हैं और उसमें ऊपर से पानी मिलाता है, तो पानी जब एसिड के अंदर जाता है तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, तो जो वाटर है ना वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर का क्वांटिटी कम होता है। देखिए एसिड पहले से, पानी आपने डाला, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, हीट कहीं एब्जॉर्ब करने वाला कोई सब्सटेंस है नहीं, सारा का सारा हीट, सारा का सारा एसिड उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप पहले बीकर में पानी ले लेते हैं और फिर उसमें एसिड मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर पहले आपने पानी मिलाया, पहले आपने पानी ले लिया, वॉल बाय वॉल आपने उसमें एसिड डालना चालू किया, वॉल बाय वॉल आपने उसमें क्या करना चालू किया, एसिड डालना चालू किया, तब जो भी एसिड की हीट निकलने वाली थी वो सारी की सारी हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सारी की सारी हीट वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही आप पानी लेते हैं, पानी में जैसे ही आप एसिड को मिलाते हैं, मान लीजिए बीकर है, बीकर में आपने एसिड मिलाना चालू किया, उसको स्टिर कर रहे हैं, एक रॉड ले लेते हैं, रॉड से आप उसको परमानेंटली क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, ठीक है, उसको मूव करते रहते हैं, तो सारी की सारी जो निकलने वाली हीट है, इसकी जो सारी सारी हीट है, वो निकलने वाली हीट आप वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है अपने आप। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिया हुआ है कि ये जो साहब है, इन्होंने पहले एसिड लिया, उसके अंदर पानी डालना चालू कर दिया,
तो जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, सारा का सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस हुआ, सारी की सारी जो एसिड है कंसंट्रेटेड एसिड वो उछल के बाहर आने लगी, और देखिए ये बच रहे हैं वैसे हाथ लगा के, ठीक है। तो जो भी कंसंट्रेटेड एसिड है वो किसी भी किसी भी सामान पे गिरता है, जैसे किसी भी आपके स्किन पे गिर गया, किसी कपड़े पे गिर गया, टिश्यू पेपर पे गिर गया, वहां पे कोरोजिव इफेक्ट दिखाता है। कोरोजिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है, वो पूरे सरफेस को जला के रख देता है, काट के रख देता है, वहां पे पूरा का पूरा सरफेस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें हमें पानी के अंदर एसिड मिलाना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एसिड में पानी मिलाते हैं तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। लेकिन पानी में जब भी आप एसिड मिलाते हैं तो सारी की सारी हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिड को उछलने नहीं देता बाहर। कैसे ऐड करना है? बाय वॉल, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, दीवार के थ्रू आप सरकाइए उसको और उसको हल्का से स्टर करते रहिए, उसको हिलाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी शोन एज द फॉलो। ये एक यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 10 ml वाटर ले लीजिए एक बीकर के अंदर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन अप अबाउट 10 ml ऑफ वाटर टू इन अ बीकर, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ड्रॉप है सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, उसको हमें डालना है स्लोली इन टू द बीकर, थोड़ा सा बीकर को ऐसे हिलाना है और उसके अंदर धीरे धीरे एसिड को डालते रहना है ना। टच द बॉटम ऑफ द बीकर, जो बीकर का बॉटम है ना उसको आप थोड़ा सा टच करके देखिए। द बॉटम अपीयर्स हॉट शोइंग द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड। जब भी हम उसको एड करेंगे तो जो बॉटम है, बॉटम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो ये शो करता है कि बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस डाइल्यूशन के दौरान, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस है, मतलब पानी के अंदर एसिड मिलाने का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और भाई साहब इसमें तो बहुत हीट निकल रही है, बहुत ज्यादा हीट उसमें से निकल जा रही है, ठीक है। तो सो द एंड वाटर इसका इन टू द कंसंट्रेटेड एसिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आप वाटर को एसिड के वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत सारे हीट निकाल रही है। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे हीट निकलती है। मैंने वहां पे बताया भी था कि एक्स मतलब होता है निकल जाना, ठीक है। जहां पे भी एक्सो वर्ड आ जाएगा, जैसे एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जिट, जहां पे भी वर्ड एक्स आएगा उसका मतलब होता है निकल जाना। थर्मिक मतलब होता है हीट, जहां पे हीट निकल जाए ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहां से हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ दी हुई है नीचे। पहली प्रॉपर्टीज, एसिड जो भी है वो खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है। जो इडिबल एसिड्स होते हैं उसको तो हमने खा के देख लिया और ऐसा कंसीडर कर लिया कि बाकी एसिड्स भी खट्टे ही हैं खाने में, जैसे जैसे कि एसिटिक एसिड, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, टमाटर के अंदर भी एसिड होता है, इमली के अंदर भी एसिड होता है, ये सारी चीजें खाने में बहुत ज्यादा खट्टी होती हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है। आगे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू द रेड, एसिड जो है हमारे पास वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए किसी भी एसिड सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। अब कैसे कराएंगे उसको समझाने के लिए मैं यहीं पे आपका 5 मिनट लूंगा। देखिए किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं, किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं, एसिड कैटायन और एनायन में टूट जाता है। मान लेते हैं एक एसिड है कोई भी, वो बन रहा है H प्लस और X माइनस से। एसिड को जैसे ही आप पानी में ऐड करते हैं, ये भी हमने सीख लिया, एसिड को पानी में ऐड करना है, पानी को एसिड में ऐड नहीं करना है, ठीक है। एसिड को जैसे ही हम पानी में ऐड करते हैं तो एसिड का मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्रेक हो जाता है H प्लस और X माइनस, मतलब X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, H तो कांस्टेंट है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है भी, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए एसिड को जब भी हम पानी के अंदर डालते हैं, मतलब मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर में आपने वही एक्टिविटी समझ लीजिए कि आपने 10 ml पानी लिया और इसमें कुछ ड्रॉप आपने एसिड की डाल दी, जैसे H2SO4 आपने डाल दिया, तो ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा, ठीक है।
H प्लस में टूटेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल टूट गया H प्लस में, और SO4 माइनस में ये टूट जाएगा। अच्छा जब भी एसिड पानी के अंदर जाता है और आयंस में डिसोसिएट होता है, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, जब भी एसिड पानी के अंदर मतलब अपने एक्वस फॉर्म में जाता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाता है और वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किस किस आयन में, कैटायन में और एनायन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब भी एसिड वाटर के अंदर जाके कैटायन और एनायन में जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, एसिड जब भी अपने एक्वस फॉर्म में जाएगा, जब भी वो अपने वो जब भी आप एसिड को पानी में मिलाएंगे, मतलब जब भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, उस कंडीशन में एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, क्योंकि एसिड जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो आयन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैटायन और एनायन में टूट जाता है। जब भी एसिड को आप पानी में डालेंगे तो वो कैटायन और एनायन में टूटेगा, जब भी वो कैटायन और एनायन में टूटेगा उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एसिड इज डिजोल्व इनटू द वाटर, जब भी आप एसिड को पानी में डालते हैं, वी गेट एसिड सॉल्यूशन, हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एसिड का सॉल्यूशन है, देखिए एसिड नहीं बोला है, एसिड का सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, व्हेन वी एड एसिड इनटू द वाटर, एसिड को जब भी पानी में मिलाएंगे, मतलब एसिड को आपको एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दैट इज एसिड सॉल्यूशन अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तब जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, यहां से केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो एसिड है वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा पहले सॉल्ट और वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहेगा। ये मैंने एरो ऊपर लगा दिया है, एरो ऊपर लगाने का क्या मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन गैस ऊपर चली गई है, मतलब रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस निकल गई है, मतलब ऐसा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, दैट इज H2SO4, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपको अगर यहां पे मेटल लेना है तो आप सोडियम ले सकते हैं। मान लीजिए सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, देखिए सोडियम का वैलेंसी होता है एक, SO4 का वैलेंसी होता है दो, ठीक है, दो का यहां मल्टीप्लाई एक का, ये 9th क्लास का पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, ये बन गया, और यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, HCl रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, अच्छा ये बैलेंस नहीं है तो उसका बैलेंस कर लीजिएगा, यहां से दो लगा दीजिएगा, बैलेंस हो गया ये। HCl रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, वेट, MgCl2, और साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। यहां पे इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो जब भी एसिड हाइड्रोजन गैस के साथ एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो बनाएगा सॉल्ट और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप एसिड्स के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जब मैं रिएक्शन लिख रहा था तो उस टाइम मैंने सारे कंपाउंड के नाम बोले, आप बारी बारी से वो कंपाउंड के नाम वहां पे लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना बहुत आसान है, अगर आपने थ्योरी को एक बार 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 उसको रिवाइज कर लिया, देखते गए केमिकल रिएक्शन याद करते गए, थोड़े बहुत कंपाउंड अगर जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे एलिमेंट याद रखते गए तो आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात वो है नहीं। ठीक है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, देखिए एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, देखिए एसिड आप कोई सा भी ले सकते हैं, HCl ले लीजिए, ठीक
ठीक है, H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये सब अच्छे एसिड्स हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंडक्टिविटी भी जल्दी कराते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन भी जल्दी करते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं फिर से, जो एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, पहली चीज वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन भी जल्दी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट कराते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा वो समझिए, जैसे ही एसिड को आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो एसिड जल्दी से आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टोटली। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के अंदर डालिए, अभी पढ़ा था, एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड को पानी के अंदर डालिए वो H+ आयन और जो भी उसका नेगेटिव आयन है उसका टूट जाएगा। जब टोटली आयनाइज हो गया है तो ज्यादा आयन्स मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ज्यादा करेगा क्योंकि सारे आयन्स डिसोसिएट हो गए। और सेकेंड पार्ट ये है कि वो रिएक्शन भी जल्दी करेगा, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से गया, फटाक से उसने अपने बॉन्ड तोड़ लिए, अब वो रेडी है। बताओ किसके साथ रिएक्शन करना है, एसिड गया पानी के अंदर फटाक से H+ और मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था Cl- में टूट गया, अब ये H+ वाला और Cl- वाला दोनों रेडी है, बताओ किसके साथ बॉन्ड बनाना है, मतलब पुराना बॉन्ड तोड़ लिया, अब फटाक से नए बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत जल्दी रिएक्शन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड को जब भी हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, सुनिए पहले तो आप कार्बोनेट जानिए, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट है CO3, ये होता है कार्बोनेट और इसकी वैलेंसी होती है -2, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, वैलेंसी 2 ही होती है, ये कार्बोनेट है। व्हाट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब होता है CO3 और उसके आगे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी है -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी है -1। ठीक है, ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एक एसिड ले लीजिए, उसका पहले हम मेटल कार्बोनेट, लिखा हुआ मेटल कार्बोनेट, तो कोई भी एक मेटल ले लेते हैं उसके साथ कार्बोनेट लगा लेंगे, उसका रिएक्शन करा लेंगे, या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक मेटल ले लेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बायकार्बोनेट भी कहते हैं, इसी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बायकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम ये देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, व्हाट इज मेटल कार्बोनेट, देखिए पहले तो एसिड ले लेते हैं, पहली चीज एसिड अगर रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो बनाएगा सॉल्ट, साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में बनाएगा वाटर, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, या ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अगर रिएक्शन करेगा तो भी वो क्या बनाएगा, तो भी वो बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर ही बनाने वाला है, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, एक सेकेंड, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, चाहे मेटल बायकार्बोनेट बोलिए, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले चाहे बायकार्बोनेट बोले, दोनों एक ही बात है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बायकार्बोनेट, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन कराइए, दोनों एक ही चीज है। रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, HCl का अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब आप या मेटल पहले मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, तो हम सबसे पहला मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं MgCO3, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, चलो इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा सॉल्ट, सबसे पहला सॉल्ट क्या बनेगा, दैट इज MgCl2, साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में बनाएगा वाटर H2O।
केमिकल रिएक्शन एक बार बैलेंस करके देख लीजिए, मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन यहाँ पर दो है, क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास एक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। आप केमिकल रिएक्शन एक बार देख लीजिए, मैग्नीशियम एक सीएल दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, दो और एक तीन, कार्बन तीन आ गया। तो हमारे पास मेरे ख्याल में केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, मेरे ख्याल में केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। चलिए, तो जब भी हमारे पास एसिड है, HCl एसिड है, वो मेटल कार्बोनेट मतलब मैग्नीशियम CO3 मतलब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस साथ में बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए हम एक बार और यही HCl लेते हैं, इसी HCl का रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलिए एक काम करते हैं, पहले मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए HCl का रिएक्शन मैंने करा दिया मेटल कार्बोनेट, चलिए मैंने मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लिया, तो सोडियम कैसे बनाऊंगा, देखिए सोडियम का वैलेंसी होता है एक, CO3 का वैलेंसी होता है दो, तो ये बनाएगा Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहां पर हमने ले लिया Na2CO3, इसको हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, सबसे पहले देखिए Na है ना वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे Na ने Cl के साथ रिएक्शन किया था, तो बनाएगा NaCl प्लस, साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस, साथ में बनाएगा वाटर, ठीक है। तो अब रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास NaCl है, यहां पर Na कितना है दो, तो बैलेंस करने के लिए Na यहां भी दो लगा लेंगे, दो सोडियम है तो दो क्लोरीन भी है, दो से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na भी दो है, हाइड्रोजन भी यहां पे दो हो गया, क्लोरीन भी हमारे पास यहां पे दो हो गया, मेरे ख्याल में केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने यहां पे दो अलग अलग मेटल कार्बोनेट्स लिए, पहला मेटल कार्बोनेट आपने क्या लिया था, पहला मेटल कार्बोनेट आपने लिया था मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, दूसरा मेटल कार्बोनेट आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन आपको प्रोडक्ट वही का वही मिला, सॉल्ट आपके अलग अलग है थोड़े से, क्योंकि मेटल्स अलग अलग थे इसलिए मेटलिक सॉल्ट अलग अलग आए, इसका मेटलिक सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड आया है, इसका मेटलिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आया है, यहाँ पे बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और वाटर, साथ में क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। चलिए अब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एसिड ले लिया HCl, HCl एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो मेटल क्या है Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मैंने यहां पे रिएक्शन करा दी, इसका रिएक्शन अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करूंगा तो बनाएगा NaCl साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस, साथ में बनाएगा वो वाटर। So, मेरे ख्याल में रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, बनना सॉल्ट प्लस वाटर प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बननी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वो जानते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस। देखिए सबसे पहले जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और एल्केली, अब एल्केली क्या है मैं समझा देता हूं आपको, मैंने कहा था मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज एल्केली, जब भी हम किसी भी बेसिक सब्सटेंस को, बेस को है ना, जब भी किसी बेस को हम पानी के अंदर ऐड कर देते हैं और वो बेस पानी के अंदर सॉल्युबल हो, पानी के अंदर घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको हम एल्केली कहते हैं। बेसिक सब्सटेंस कोई भी बेस है, जैसे एसिड होता है वैसे ही बेस भी होता है, अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेस को अगर हम पानी में ऐड करते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं, अगर बेस टोटली वहां से डिसअपीयर हो गया, घुल गया बिना रिएक्शन किए पानी के अंदर, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो वहां पर जो सॉल्यूशन होता है उस बेस को अब हम मतलब बेस का ही एक्वा सॉल्यूशन अब हम एल्केली बोलेंगे। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एसिड और जो बेस है ना वो केमिकली एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिड है हमारे पास, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट
प्लस बनाएगा साथ में वाटर, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, एसिड ले लिया HCl, रिएक्शन करेगा बेस के साथ, दैट इज NaOH, रिएक्शन करके बनाएगा NaCl प्लस, साथ में बनाएगा वाटर, दैट इज H2O। तो ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में बना रहा है सोडियम क्लोराइड, और बना रहा है साथ में क्या, वाटर, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। आप और भी ले सकते हैं इसकी जगह एग्जांपल, एक ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे H2SO4 है, अगर इसका रिएक्शन मैं KOH से करा दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं, तो वो क्या बनाएगा, सुनो, ये बना लेगा साथ में K2SO4, और पहला वाला आखिरी वाले से रिएक्शन करता है तो बनाएगा वाटर H2O। मिल गया, में बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए, पोटेशियम दो हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास दो और दो चार हो गया, बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। तो मेरे ख्याल में एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन के अंदर जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने का क्या मतलब है, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो अपनी टोटल एसिडिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है, ठीक है, और बेस भी अपनी टोटल बेसिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को हटाने के लिए, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल ऑक्साइड ना एक प्रकार का बेस है, पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने। कोई भी मेटल ऑक्साइड, किसी भी तरह का मेटल ऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेसिक सब्सटेंस है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। तो फिर से आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, आपसे इससे पहले वाले रिएक्शन में कहा गया था कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि एसिड रिएक्शन कर रहा है मेटलिक ऑक्साइड के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ। मैं कह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड एक प्रकार का बेस है, अभी आप आगे आने वाले जो बेस पढ़ेंगे उसमें आपको ये दिखेगा साफ साफ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। तो कुल मिला के आप क्या पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, या ये कहें कि एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा जो कि एक प्रकार का बेस है, तो एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो आपको मेरे ख्याल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार अभी तो हमने पढ़ा था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। नहीं, मेटल ऑक्साइड भी एक प्रकार का बेस है, तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो भी वो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, या यहां पे मैं आपकी तसल्ली के लिए मेटल ऑक्साइड लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एसिड आप कोई सा भी ले लीजिए, दैट इज हमने ले लिया चलिए HCl, मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं Na2O, ठीक है, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस, बनेगा वाटर, दैट इज H2O, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4, रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो बनाएगा MgSO4 प्लस H2O। तो एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है वहां पर भी, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, जो एसिड है उसका कोरोसिव नेचर होता है। एसिड अगर किसी भी सब्सटेंस पर या किसी भी सरफेस पर जाके गिरता है, उस सरफेस को टोटली वो बर्नआउट कर देता है, पूरी तरह से जला देता है, पूरी तरीके से खराब कर देता है, जो भी मेनली मिनरल एसिड्स हैं। क्योंकि देखिए मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो एडिबल होता है, उसको तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको फूड में इंटेक कर सकते हो। मेनली जो एसिड्स खतरनाक होते हैं वो मिनरल एसिड से होता है। तो जब भी लेबोरेटरी के अंदर कोई भी एसिडिक रिएक्शन हम कराने जाते हैं तो हमको ग्लव्स पहनने के लिए टीचर बोलते हैं कि ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहनने के बाद ही करिए ताकि वो एसिड आपके हाथ पे गिरे नहीं और आपके हाथ को नुकसान ना पहुंचाए। तो एसिड मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक
टू ईट अप मटेरियल लाइक क्लोथ वुड मेटल सरफेस एंड स्टोन सो दे आर सेट टू बी कोरोसिव और उसको हम कोरोसिव कह सकते हैं. The acid are never stored in the metal container. एसिड को मेटल कंटेनर के अंदर हमें नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए ये भी हम रिएक्शन के अंदर भी देख चुके हैं. इससे पहले जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पड़ी उसमें भी हम एक बार देख चुके हैं. एसिड को जब भी हम मेटल के साथ रखेंगे तो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा. मतलब वो मेटल से मेटलिक प्रॉपर्टी छीन लेता है और मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है. क्योंकि जैसे ही वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना कोरोसिव नेचर दिखाना चालू कर देगा. ठीक है, दिया हुआ है. एसिड आर नेवर स्टोर इन अ मेटल कंटेनर. एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए. दे ग्रेजुअली कोरोड खराब कर देते हैं मेटल को क्योंकि उनके साथ रिएक्शन करके वो क्या बना रहे हैं सॉल्ट बना रहे हैं. ठीक है, दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर. वो मेटल कंटेनर को खराब कर देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द बेसिस एल्केली. अब मैं एल्केली बार बार नहीं बताऊंगा. बेसिस क्या है, बेसिस बोल लीजिए चाहे एल्केली बोल लीजिए. मतलब कोई भी बेसिक सब्सटेंस को अगर आप पानी में डाल के उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे, बेस का एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसको हम एल्केली बोलते हैं. तो द बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिस होता है वो भी बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है. वो भी अगर हमारे स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारी स्किन को खराब कर देते हैं. ठीक है, एक बहुत अच्छा सा है क्योंकि अभी तक एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं है या हमने एक नॉर्मल चीज जानी है कि यार एसिड क्या होता है. जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है वो सब्सटेंस एसिड है. हमने ये पढ़ लिया था. ठीक है, यहां से कहें कि डेफिनेशन आ रही है एसिड की. व्हाट इज एसिड? एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन रिलीज करे. एक मोटा मोटा हिसाब है एसिड का क्योंकि 11th 12th में जब आप आएंगे 11th में जब आप एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे तीन तीन थ्योरीज चलेंगे एसिड की. पहले इवोल्यूशन आपको बताएंगे कि पहले एक थ्योरी आई फिर उसमें क्या कमी आई फिर दूसरी थ्योरी आएगी उसमें क्या कमी आएगी वो हटा देंगे फिर तीसरी थ्योरी आएगी. सो वहां पे आप एसिड को बहुत अच्छे से डेप्थ में जान पाएंगे. फिलहाल 10th क्लास के पर्पज से अगर आपको पढ़ना है तो व्हाट इज एसिड? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास H+ आयन है और वो रिलीज कर दे पानी के अंदर. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास H+ आयन है और वो पानी के अंदर रिलीज कर दे. मतलब पानी के अंदर H+ आयन छोड़ दे. देखिए ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन वो सारे के सारे एसिड्स नहीं है. जैसे कि NH3 अमोनिया. अमोनिया एसिड नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन है. ग्लूकोज C6H12O6 देख रहे हो कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है. समझो एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 12 हाइड्रोजन. सोचो मतलब ये तो बहुत अच्छा एसिड होना चाहिए और 12 हाइड्रोजन देगा. नहीं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करें, पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो H+ आयन रिलीज करे पानी में, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप पानी में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद वो पानी के अंदर H+ आयन्स रिलीज करना चालू कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं. एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू द वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयन. मेरे ख्याल में ये पहले भी आपको 4-5 स्लाइड केमिकल प्रॉपर्टी की पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है, बीकर बनाया, बीकर में मान लेते हैं पानी है. जैसे ही पानी में कोई भी एसिड जाएगा, जैसे मान लीजिए H+ गया तो ये H+ आयन बनाएगा और Cl- आयन बनाएगा. ये H+ आयन पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाके कुछ समय बाद जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बनाएगा H3O+ आयन. ठीक है, एसिड क्या है? कोई भी सब्सटेंस जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब जैसे ही पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में. पानी में जाने के बाद कोई भी सब्सटेंस अगर H+ में कन्वर्ट हो रहा है, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन बना रहा है. क्या बना रहा है बेटा? हाइड्रोजन आयन अगर वो बना रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं. वही हाइड्रोजन आयन कुछ समय बाद पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ जाता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन.
ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूट बाय मिक्सिंग वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। कहने का मतलब यह है कि जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड अगर आप उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका H प्लस आयन कम हो जाएगा या हाइड्रोनियम आयन कम हो जाएगा। कुल मिला के पहले तो आप ये जानिए, पानी को जब भी आप पानी के अंदर जब भी आप एसिड मिलाते हैं तो वो H प्लस आयन जनरेट करता है, वही H प्लस आयन पानी से जाके मिलेगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से थ्योरी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, एसिड को पानी के अंदर डाला, वो हाइड्रोजन आयन क्रिएट कर रहा है, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, अगर इसमें आप और पानी ऐड कर देंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। आयन्स कम नहीं हो रहे, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन मैंने समझा दिया था। किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आप पानी उसके अंदर ऐड कर दीजिए, वो डाइल्यूट हो जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट टू शो ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जो सारे के सारे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो एसिड्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं ना कि सबके पास हाइड्रोजन हो तो सारे के सारे एसिड है। अभी आपको बिल्कुल ताजा एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 12 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखा जाए दैट इज C6H12O6, एक कंपाउंड में 12 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा एसिड होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एसिड वो है जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में एच प्लस आयन रिलीज करे। जो ग्लूकोज है वो अपने एक्वा सॉल्यूशन में एच प्लस आयन रिलीज नहीं करता, दैट्स वाई वो एसिड नहीं है। एसिड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए उनके पास H प्लस आयन होने चाहिए। तो जो H प्लस आयन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो आयन्स हैं, जो पोल्स बन रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन H प्लस आयन और या जो आयन्स वहां पे बन रहे हैं। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आयन्स बनाएगा ही नहीं, H प्लस आयन बनाता ही नहीं है। जब ग्लूकोज H प्लस आयन नहीं बनाएगा तो ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट कर पाएगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है। ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एक कंपाउंड के अंदर, वो एच प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा है पानी में। अगर ग्लूकोज H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा पानी में तो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? तभी जब पानी में एसिड H प्लस आयन रिलीज करे। एग्जांपल क्या है? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl H प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज करता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ग्लूकोज एच प्लस और कोई भी नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है तो भी वो एसिड नहीं है क्योंकि वो H प्लस आयन और कोई भी अदर माइनस आयन रिलीज नहीं करता है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल जो दिया है ना, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, दैट इज NaCl। ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। NaCl जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Na2SO4 और साथ में निकालेगा HCl गैस। तो जो भी HCl गैस यहां से निकल रही है, देखिए मान लीजिए ये यहां से HCl गैस निकल रही है, एक सेकंड, मान लीजिए HCl गैस यहां से निकल रही है और यहां से जो HCl गैस निकल रही है वो यहां पे ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास है। जब ये HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर पे ड्राई है, ये अभी जो लिटमस पेपर है वो क्या है? ड्राई है। जब भी ये HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर पे जाके टच होगा ना तो भी ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HCl फिलहाल गैस है, HCl एसिड तब बनेगा जब HCl को आप पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद HCl H प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज करेगा। एसिड एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखाता है
जब वो एच प्लस आयन रिलीज करे, मतलब कर्ता धर्ता एच प्लस आयन है नया। अगर डेफिनेशन अगर आपको जानना है व्हाट इज एसिड, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी के अंदर एच प्लस आयन रिलीज कर दे उसे हम एसिड कहते हैं। तो HCl अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर है, ड्राई है ना, लिटमस पेपर क्या है, ड्राई है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया है। मॉइस्ट लिटमस पेपर क्या करेगा, गीला लिटमस पेपर। जैसे ही HCl गैस आएगी, देखिए यहां से जैसे ही ये HCl गैस आ रही है ना, ये मॉइस्ट लिटमस पेपर पे जाके लग रही है। मतलब मान लीजिए लिटमस पेपर ये है, यहां से HCl गैस आई और इससे टकराई। HCl जैसे ही इसके पास जाएगा तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब गीला है, जो लिटमस पेपर का पानी है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा। लिटमस पेपर का जो पानी है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या कर देगा, वो H+ और Cl- में तोड़ देगा उसको। ये जो H+ आयन नया नया टिमटिमा रहा है ना, आपको ये देखो, ये जो H+ आयन आपको यहां दिख रहा है ना, ये H+ आयन इस लिटमस के साथ जाके लग जाएगा और यहां पर रेड कलर प्रोड्यूस कर देगा। इस लिटमस पर जाके लग जाएगा, ये ब्लू लिटमस के पे जाके लगेगा और इस ब्लू लिटमस को कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। मेरे ख्याल में आपको सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाएगा, अपने एक्वस फॉर्म में। एसिड को पानी में डालेंगे तो वो एच प्लस और कोई भी एक माइनस आयन बना लेगा जो भी वहां पे लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, देखिए एसिड्स पानी के अंदर डिजोल्व होंगे तो ही एसिडिक कैरेक्टर दिखाएंगे। ये तो आपके मेरे ख्याल में दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, एसिड को पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद अगर सारे के सारे आयन्स डिसोसिएट हो गए, लिखा हुआ है एन एसिड विच कंप्लीटली, एक सेकेंड, एन एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज इन वॉटर। कोई भी एसिड जो पानी के अंदर पूरी तरह से टूट जाए, जो पानी के अंदर पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पानी के अंदर इमेंसली बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे, बिल्कुल धड़ाधड़, ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, बीकर लीजिए, बीकर में पानी लीजिए, मान लीजिए आपने 10 मॉलिक्यूल डाले थे, ऐसा एग्जांपल है, तो मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल डाले थे H2SO4 के, और ये पूरे के पूरे 10 मॉलिक्यूल H प्लस और SO4 माइनस में डिसोसिएट हो गए। ठीक है, ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, तो अगर ये सारे के सारे डिसोसिएट हो जा रहे हैं इजीली, आराम से, पूरी तरीके से, टोटली, तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक एसिड जो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाए, मतलब जितने आयन आप डालें सारे के सारे आयन डिसोसिएट हो जाएं, दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन। देखिए 20 एच प्लस आयन निकाल रहा है, 10 मॉलिक्यूल डाले थे, 20 निकालेगा क्योंकि 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 20 आ जाएंगे, बैलेंस कर लीजिएगा। तो 20 अगर एच प्लस आयन वहां पर रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट में, ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड या हाइड्रो आयोडाइड एसिड, प्रीक्लोरिक एसिड दैट इज HClO4 और HClO3, H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है और नाइट्रिक एसिड जो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये पानी के अंदर जैसे ही जाएंगे अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ लेंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड रैपिडली रिएक्ट विथ ईच अदर, या रैपिडली रिएक्ट करते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ। मेन रीजन यही है मेरे ख्याल में, जैसे कि मान लीजिए नीचे हमारे पास सब्सटेंस है NaOH और ऊपर से आपने एसिड डाल दिया H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आपने मान लीजिए दो मॉलिक्यूल भी अगर H2SO4 के डाले होंगे तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स वहां पर डिसोसिएट हो गए और वो दोनों मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं तो रिएक्शन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है. ये मैं पिछली कुछ स्लाइड्स में आपको यही पढ़ा रहा हूं. हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन दस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इसलिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. यहाँ पे एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो समझा देता हूं मैं. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में चला जाए, पानी में डिसोसिएट हो जाए और पानी में डिसोसिएट होने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगे, ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एसिड बेस और सॉल्ट ही होते हैं. मतलब किसी भी एसिड बेस या सॉल्ट को आप पानी में डालिए वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली टूट जाए. आयोनाइज होने का मतलब एच प्लस और जो भी आयन है बना ले, जो भी आयन मतलब एक नेगेटिव आयन है ना, एक एच प्लस का आयन और जो भी एक नेगेटिव आयन है. नेगेटिव आयन में सी एल माइनस भी आ सकता है, एसओ फोर माइनस भी आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी आयन आ सकता है और भी एनओ थ्री माइनस आयन भी आ सकता है, सीओ थ्री माइनस टू आयन भी आ सकता है, एच सी ओ थ्री भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है. ठीक है, चलिए. तो कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट पानी के अंदर अगर आयनाइज हो जाए या डिसोसिएट हो जाए और डिसोसिएट होने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने लगे तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड कंडक्टर्स. मतलब पानी के अंदर अगर किसी भी केमिकल को आप डालें वो केमिकल डिसोसिएट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है और सॉल्ट का भी हो सकता है. फिलहाल हम एसिड की बात कर रहे हैं तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है. आगे बढ़ते हैं. वीक एसिड से कुछ नाम दिए हैं. अब वीक एसिड क्या है? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, मतलब पूरी तरह से जाते हैं, 10 मॉलिक्यूल डाले थे, 10 के 10 टूट गए. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? आपने मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल डाले थे, 10 में से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए या 5 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, बाकी बचे हुए 5 आयनाइज नहीं हुए हैं, बाकी बचे हुए H+ आयन और जो भी एक माइनस आयन है उसमें डिसोसिएट नहीं हुए हैं. इसको ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा. ऐसा कोई भी एसिड जब वो पानी के अंदर जाए और स्मॉल अमाउंट में H+ आयन रिलीज करे, मतलब ज्यादा H+ आयन रिलीज ना कर पाए, ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, मिथेनोइक एसिड HCOOH, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रस एसिड HNO2, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड HF. ये सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं. ये सारे के सारे क्या है? वीक एसिड है. मतलब अगर इन एसिड्स को आप पानी में डाल दें तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड एक प्रकार के वीक एसिड्स हैं. क्यों है वीक एसिड? क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा आयनाइज होते नहीं है, पार्शली आयनाइज होता है, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, बाकी के मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, वीक एसिड्स आर क्वाइट स्लो विद द अदर सब्सटेंस. मतलब मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो अच्छे से रिएक्शन कर नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि जल्दी से आयनाइज हो नहीं पा रहे हैं, आयन बना नहीं पा रहे हैं. जब आयन नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी कैसे कर पाएंगे. ठीक है, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये एसिड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी काफी लो है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दिखा पाते नहीं है. ऑल द एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ऑल द वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. सारे के सारे वीक एसिड ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर नहीं पाते, इसलिए उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं. जब भी हमें किसी भी एसिड को किसी में हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा हो गए उसको अगर हमें कम करना है, उसके हाइड्रोजन आयन को अगर हमें कम करना है तो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं हम वाटर को ऐड करके. व्हेन द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर देन द कंसेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम डिक्रीजेस. मतलब
किसी भी एसिड में अगर हम पानी मिला देंगे तो हाइड्रोजन के प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। यूज ऑफ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का यूज क्या क्या है? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट, डाइस, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड कार बैटरीज, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज आता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसलिए काम में आता है फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव लाइफ टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिन, डाइस एंड प्लास्टिक, ये सब बनाने के लिए काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव करता है ऑक्साइड फिल्म की जो भी लग जाती है, ऑक्साइड फिल्म जो जम जाती है स्टील ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, फॉर रिमूविंग द स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, बॉयलर्स के अंदर जो स्केल डिपॉजिटिंग हो जाती है उसको निकालने के लिए काम में आता है। इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल एंड फूड लेदर इंडस्ट्रीज, इन सारी इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। इस टॉपिक तक हमने पूरा एसिड का पार्ट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेस और उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में जानेंगे।